हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि टर्बो सी प्लस प्लस में स्नैक यानी सांप वाला गेम कैसे बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये हमारी फाइल है, जिप फाइल है, जो कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करते हैं, जो कि इसका सोर्स कोड है। सबसे पहले हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस फाइल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे हमारी जो टर्बो सी है उसकी जो बिन फोल्डर होता है। जैसे ये हमारा टर्बो सी है, इसका जो टीसी के अंदर बिन फोल्डर होगा उधर एक्सट्रैक्ट करेंगे, इस फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले ये गए बिन फोल्डर में, यहाँ आ गया है। तो इसमें जो है दो फाइलें हैं, एक है सेव हेल्प, दूसरी है स्नैक गेम, जो कि हमारी मेन गेम की फाइल है। ये हेल्प कमांड्स को सेव करने के लिए है यदि कभी, और इसमें गेम का डेटा होगा। तो चलिए हम अपना टर्बो सी में ऑन करते हैं कि कैसे चला कर देखते हैं कैसे चलता है। ये स्क्रीन में कर लेते हैं, तो ये छोटी स्क्रीन में हो जाएगा। अब हमारा ये छोटी स्क्रीन में हो गया। ये सबसे पहले ओपन करते हैं फाइल, जो कि ये रही हमारी टीसी के अंदर स्नैक बिन के अंदर स्नैक नाम का फोल्डर, उसके अंदर है हमारा स्नैक गेम। ये है हमारी गेम की फाइल। इसको रन करते हैं, ये रन होने लगा हमारा प्रोग्राम। ये क्या है कि ये हमारी स्क्रीन है गेम की, जिसमें हमें कुछ ऑप्शन देता है। जैसे पहला ऑप्शन है ये, इधर क्लिक करके हम डू यू वांट टू एग्ज़िट में यदि वाई प्रेस करेंगे तो एग्ज़िट हो जाएगा, और कोई और की प्रेस करेंगे तो ये रिफ्रेश हो जाएगी स्क्रीन। तो अभी एग्ज़िट नहीं करते। यहाँ मेनू है, कुछ मेनू जैसे कि रीस्टार्ट करना है तो ये गेम रीस्टार्ट कर देगा, शुरू से कर देगा। ये हाई स्कोर देखने के लिए, जो कि अभी क्योंकि अभी ये शुरू किया है गेम तो अभी कोई फाइल नहीं बनी है, इसलिए हाई स्कोर की फाइल नहीं मिल रही उसे। और ये हेल्प मेनू, जो हेल्प कमांड की क्या किस बटन से क्या होता है उसके लिए, तो किसकी भी कमांड अभी नहीं दी है। तो उसके लिए सबसे पहले हेल्प मेनू को करना है जनरेट। तो उसके लिए सब इधर से इसको प्रोग्राम को क्विट किए हम। सबसे पहले अब चालू करेंगे हमारी हेल्प मेनू को सेट करेंगे। तो इसके लिए हम जो सेव हेल्प्स है उस फाइल को रन करेंगे। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली गेम डेटा जो हमारा फोल्डर था उसके अंदर हेल्प मेनू हेल्प अंडरस्कोर कमांड डॉट डेटा नाम की फाइल बना देगा और उसमें डेटा रख देगा। ये हेल्प सेव हो गई। अब इसको बंद कर देते हैं। अब देखते हैं कैसी क्या चेंजेस हुए हमारे उस फाइल में। अब फिर से हम अपनी गेम को रन करते हैं। सॉरी, ये कंपाइल नहीं हुआ लगता है। कंपाइल करते हैं, ये कंपाइल हो गया। अब रन करते हैं ये। तो अब हम देखते हैं हेल्प कमांड हेल्प में। तो ये हाँ, अब हेल्प में क्या है कि आई से हमारा अप साइड मूव करेगा स्नैक, जे से लेफ्ट साइड, के से राइट साइड और एम से डाउन साइड। और यदि हमारा गेम अब पॉज की स्थिति में है या रुका हुआ है तो उसे चालू करने के लिए स्पेस बार का, यदि रुका है तो चालू कर देगा और यदि चालू है तो रोक देगा, तो उसके लिए स्पेस बार। अब यदि इस विंडो में कोई भी की दबाएंगे तो ये विंडो ऑटोमेटिक क्विट हो जाएगी और मेन विंडो में या गेम स्क्रीन में चला जाएगा ये। तो अभी हमारा गेम स्टार्ट करने के लिए स्पेस बार को दबाना है, तो स्पेस बार को दबाएंगे तो ये चालू हो गया। ये अभी 0-0 है सभी डेटा। तो अभी ये बढ़ेगा जैसे जैसे ये स्नैक खाता जाएगा, वैसे वैसे इसकी साइज भी बढ़ती जाएगी और इसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। जैसे ये स्कोर 300, अब 400। यदि स्नैक खुद को काट लिया तो गेम ओवर हो जाएगा वहीं पर। देखते हैं अब कितना बनाते हैं स्कोर। ये चल रहा है अभी गेम।
इसकी स्पीड और बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ये खाता जाएगा। स्पीड और तेज हो गया। ये खुद को काट लिया। अब हम कोई भी की दबाएंगे तो ये स्क्रीन आगे बढ़ेगी। अब चूंकि नया नया न्यू हाई स्कोर है तो इसलिए हमें सेव करने के लिए अपना नाम डालना पड़ेगा, तो नाम डाल देते हैं। और इंटर जैसे ही दबाएंगे तो ये स्कोर सेव हो जाएगा। तो स्कोर सेव हो गया, इसकी मैसेज आई। और ये अब हमको क्विट करना है कि नहीं करना है इसके लिए पूछ रहा है, या तो अभी हम क्विट नहीं करते। हाई स्कोर दिखा देते हैं कैसे आया हाई स्कोर। ये हाई स्कोर कितना है, ये अभी जो सेव किए हैं वही हाई स्कोर आ गया। ठीक है, अब कोई भी की दबाएंगे वो फिर से चला जाएगा। अब रीस्टार्ट करना है, यदि जैसे कि कोई हमारा गेम चल रहा है हम चाहते हैं कि इसको रीस्टार्ट करना। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से इतना किया, अब हम चाहते हैं कि यहीं से रीस्टार्ट करना है गेम, तो शुरू से करना है, तो इसको रीस्टार्ट में क्लिक करेंगे तो रीस्टार्ट हो जाएगा, शुरू से शुरू हो जाएगी। और यदि क्विट करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे और इसमें वाई दबाएंगे तो ये क्विट हो जाएगी।